वही आपका सोच विचार यानी इनको सजेशन। देखिए जैसे अब्बास भाई ने इंतजाम किया है कमेटी, आपने सही कहा कि इस टाइम शॉर्ट है जी, और इतनी पब्लिक जितनी इस बार आई, लेकिन जो जायरीन वहां जोगीपुर आते हैं, आप एक जिम्मेदार हैं, जायरीन आपसे क्या उम्मीद रखें? दूसरी क्या बात है कि जो यहाँ के वॉलंटियर हैं या आपकी दरगाह के वॉलंटियर हैं, जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना? दरगाह मशहद हिंद समाना पंजाब हम आए थे यहाँ पर, कुछ जायरीन आए हुए हैं, जायरीन तो बहुत लोग आए हुए हैं, जैसे मौला के श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ, कुछ लोग और जायरीन, हमसे मुलाकात हुई है, इनसे बात करेंगे। जी कहाँ कहाँ से आए आप लोग? मैं मोहम्मद अब्बास मुन्ना जी, सेक्रेटरी दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा यूपी जी, वहाँ से हम आए हुए हैं आज। और यहाँ पे जो है अब्बास रजा साहब ने जो है, जो यहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है। और जब हम आए तो हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो है जायरीनों के लिए बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम किया है, और बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है वो मशहद अली साहब जो हैं इमामजादे, उनका यहाँ पे मज़ार है, उससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हम लोग जो यहाँ मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। हाँ, और बहुत पूरे हिंदुस्तान भर से लोग जो है इस टाइम आए हुए हैं यहाँ, और हम सबसे और लोगों से भी ये अपील करते हैं कि मशहद हिंद पंजाब समाना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। ये जो यहाँ का इंतज़ाम है, इसमें आपको कोई कमी पेशी नज़र आई? मैं ये पता करना चाह रहा हूँ। नहीं, मुझे यहाँ कोई कमी नहीं लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे अब्बास भाई, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है, और जायरीनों के लिए लेटने बैठने खाने सोने नहाने हर चीज़ का इंतज़ाम बहुत अच्छा किया। कोई आपका सोच विचार यानी इनको सजेशन? नहीं, बस ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आगे के लिए यही है कि जैसे इस बार पब्लिक ज़्यादा आई है, इससे ज़्यादा आएगी, तो इन्हें इंतज़ाम को इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा जी। जो यहाँ के जायरीन हैं, वहाँ के आप बड़े जिम्मेदार हैं, आप यानी एक तरह से सरपंच हैं, इस तरह से वहाँ जायरीन आएंगे तो आपके लिए कोई मैसेज यानी इन जायरीनों के लिए मैसेज? देखिए मैं जहाँ का सेक्रेटरी हूँ, वहाँ पे जो मजमा आता है, कई लाख का मजमा होता है जब मजलिसें होती हैं, बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि हमारी बिरादरी का सबसे बड़ा जो है वो मजलिस का, वहाँ के मजालिस का सिलसिला होता है, उससे बड़ा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। और इंशाल्लाह मैं अभी 15 तारीख को जो है सेक्रेटरी बना हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि जितने भी लोग आएंगे वहाँ, जितने जायरीन होंगे, इंशाल्लाह उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई होने दी जाएगी, उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरी क्या बात है कि जो यहाँ के वॉलंटियर हैं या आपकी दरगाह के वॉलंटियर हैं, जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए क्या नसीहत यानी वसीयत एक तरह से जो कहते हैं? देखिए उन अपने बच्चों के लिए सबके ये नसीहत देना चाहूँगा मैं कि सब लोग जो है यहाँ आके वॉलंटियर बने, जो जवान लड़के हैं, और जो जायरीन आते हैं उनकी खिदमत करें, उनको कोई परेशानी ना होने दें किसी तरह की। मेरा उन्हीं लोगों के बच्चों के लिए यही सबके लिए मैसेज है। और जो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं यानी मौला के जायरीन हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ की जो खिदमत गुजार है उनके क्या एहतराम करें, क्या करना चाहिए, कैसा बर्ताव करें उनके साथ जो वॉलंटियर के? देखिए वॉलंटियर जो है, वॉलंटियर के साथ जायरीनों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लोगों के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। वॉलंटियर जैसे उनकी खिदमत कर रहे हैं, तो ऐसे जायरीन भी थोड़ा सा जो है उनके उनके जहाँ वो जैसे इंतज़ाम करना चाहते हैं उसके हिसाब से चलें, ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से चलें। हमने सुना है कि यहाँ की जो कमेटी है वो छोटी सी है, छोटी है यानी तादाद में कम है लोग, लोगों के लिए जो दुनिया में जायरीन फैले हुए हैं यानी हमारे बच्चे बाहर देशों में रहते हैं, यहाँ के ताउन के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैसे अब्बास भाई ने इंतज़ाम किया है कमेटी, आपने सही कहा कि इस टाइम शॉर्ट है जी, और इतनी पब्लिक जितनी इस बार आई है कभी अभी तक नहीं आई है, और इंशाल्लाह अब्बास भाई जो है आगे उससे कमेटी को जो है अपना थोड़ा तश्कील देंगे, बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद इंतज़ाम बेहतर से बेहतर करेंगे जी। और प्रशासन के बारे में, जैसे यहाँ अभी कम पब्लिक है और प्रशासन का और सपोर्ट चाहिए या बस ऐसे ही? प्रशासन की देखिए इस बार जैसे है तो बढ़िया, प्रशासन का बहुत अच्छा सपोर्ट है और प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए, लेकिन आगे जैसे पब्लिक को देखा गया है तो प्रशासन को और फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। आप एक शिया समुदाय से हैं यानी एक सरपंच हैं वहाँ के कमेटी के, आपके संगठन के,
जो यहाँ के लोग हैं, इन गांव के लोग हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनके लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, ऐसे लोग तो मैंने कहीं देखे ही नहीं। जैसे यहाँ पे जो सरदार लोग जितने भी हैं सबने अपने घर खोल दिए हैं और खुद बाहर रह रहे हैं और सब जायरीनों को जो है अपने घर दे दिए, रूम दे दिए। आप देखिए कितनी सबीले लगाए हुए हैं वो, आज जो है शरबत की और पानी की और खाने की सब लोग जो है इतनी सपोर्ट, इतना प्यार मैंने कहीं नहीं देखा जितना। अगर हिंदुस्तान में यही प्यार जो है मिला तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये गंगा जमुनी तहजीब जो है जैसी थी वैसी बकाया रहेगी और ये जो आजकल जो चल रहा है ना सब खत्म हो जाएगा। ये चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका जो ये पद है यानी आपका जो एक ओहदा है इसको बरकरार रखे मौला। लेकिन जो जायरीन वहाँ जोगीपुर आते हैं, आप एक जिम्मेदार हैं, जायरीन आपसे क्या उम्मीद रखें? देखिए जायरीन जो भी आता है वो सोच के यही आता है कि मुझे वहाँ कोई परेशानी ना हो जी। तो हम उसका ख्याल रखेंगे कि इंशाल्लाह जब तक हम हैं कोई परेशानी ना हो, और आगे जो दूसरे लोग भी बनेंगे उनसे भी यही कहेंगे कि आप भी यही करिए कि जायरीन को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी बस एक मिनट और लूँगा आपके बराबर में, जो एक खिदमत गुजार हैं नसीमुल हसन साहब, शायद आप नहीं जानते इनको या बच्चा जानते हैं, जानते हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहिए? नसीमुल हसन साहब जो है इनके लिए मैं कहूँ कि ये खाली समाना है या जोगीपुरा नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी दरगाह हैं सब पे बहुत अच्छी निजामत करते हैं, बहुत ही बढ़िया निजामत करते हैं। इनका जो है इनका पूरी तरह से जो सबको सपोर्ट रहता है। ये भाई है हमारे वक्कार हैदर साहब, ये जो हमारी कमेटी में शरीक है, ये मरगूब भाई है, ये है और लोग जो है ये अंजद भाई कश्मीर से आए हैं, ये अताब बास भाई है, ये भी कमेटी में, और सब लोग जो है ये हमारे सब भाई हैं जो हमारे लिए हर जगह सपोर्ट करते हैं, चाहे समाना हो और चाहे जोगीपुरा हो। अच्छा अच्छा, और कोई कहना चाहेगा सेक्रेटरी साहब के बारे में? मैं वकार अब्दी नौगांव सादात से दरगाह जोगीरामपुरा मौलाजी की दरगाह की खिदमत का शरफ हासिल हुआ। समाना हम लोग पहुँचे हैं ज़ारत के लिए, यहाँ के इंतजाम देख के, यहाँ की कमेटी की कोशिशें देख के बहुत मुतमईन हुए और उन्होंने बहुत ज़्यादा जायरीन के सहूलत का इंतज़ाम किया है, बहुत खुश हुआ यहाँ के, और यहाँ के गांव के लोगों ने जो खिदमात अंजाम दी हैं उसके लिए भी मैं इनको मुबारकबाद पेश करूँगा और अपने सब साथियों को से कहना चाहूँगा कि ये सब लोग मिलकर यहाँ के अब्बास भाई का हाथ बटाएं और सब लोग मिलकर यहाँ खिदमत गुजार बने। शुक्रिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे भाई के बारे में? मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है मुन्ना भाई के लिए, माशाल्लाह। मैं वो जुमला कहाँ से लाऊं, अल्लाह ने उनको इस मंजिल पे पहुँचा दिया। आज पूरे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी बारगाह है हमारी सीओ की, और बल्कि सीओ की नहीं पूरी दुनिया वालों की है, वो एक मरकज है पूरा वो जोगीरामपुरा। परवरदिगार ने मौला के सस्ते में उनको वहाँ का सेक्रेटरी बनाया है परवरदिगार ने, इससे बड़ी क्या खिदमत हो सकती है। और मौला की बारगाह में उसी का सिला है, आज मुन्ना भाई यहाँ मौजूद है और पूरा टाउन कर रहे हैं हमारे, यहाँ की कमेटी के साथ हमारे साथ बहुत टाउन कर रहे हैं मुन्ना भाई और पूरे वकार भाई और अताब बाद साहब जो मरगूब भाई और हमारे भाई हसन आबदी साहब ने मरसिया पढ़ा है, माशाल्लाह बहुत उम्दा मरसिया पढ़ा। एक नाजिम होने के नाते मैं ये अल्फाज ज़रूर कहूँगा कि वाकई हमारी हौसला अफजाई बढ़ाई है हमारे मुन्ना भाई ने, यहाँ आकर बहुत बड़ा काम किया है। तो मैं इनका भी दुआ करूँगा आप शहजादी की बारगाह में परवरदिगार इनको सबको सलामत रखे और इनको कोई गम न दे सिवाय गम शहदाए करबला के, और इनको और हौसला दे परवरदिगार, इतना बड़ा काम करें दरगाह जो कि रामपुरे में के दुनिया याद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, चलिए मौला सलामत रखे आप लोगों को, बहुत बढ़िया।